मैं जिलाधिकारी कानपुर ब्रह्मदेव तिवारी। कोविड 19 के कारण लॉकडाउन परिस्थिति में जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं इसके बारे में कानपुर के सभी सम्मानित नागरिक जो इसके पूरा सहयोग कर रहे हैं उन्हें पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। साथ ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिसको लेकर कई सारी सोशल मीडिया इत्यादि पर कुछ भ्रांतियाँ भी लोगों में फैलाई गई हैं कि पहला यह जो व्यवस्था सुबह 4 बजे से लेकर के 11 बजे तक मंडी इत्यादि से सब्जी फल इत्यादि के उठान के लिए और इनकी बिक्री जो रिटेल के माध्यम से होनी है, होम डिलीवरी के माध्यम से होनी है और जो दुकानें 11 बजे तक खुलनी थीं कोई आवश्यक वस्तुओं की सभी दुकानें इत्यादि 11 बजे तक पूर्ववत खुलेंगी, इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। दूसरा, जो होम डिलीवरी की 24/7 की अर्थात पूरे दिन रात की जो व्यवस्था बनाई गई है वो व्यवस्था यथावत लागू रहेगी, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तीसरा, जो सामान के होलसेलर से रिटेलर तक जाने के लिए जो व्यवस्था सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक की गई है वह इसलिए की गई है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्तिकर्ताओं को सारा सामान मिल सके और रिटेल में उन अपने होम डिलीवरी इत्यादि करने के लिए उन्हें आवश्यक वस्तुओं की कमी ना हो, यह व्यवस्था बनाई गई, यह व्यवस्था यथावत रहेगी और इसके लिए लोग जो खुदरा व्यापारी हैं थोक व्यापारियों को अपनी आवश्यकताएं नोट करा सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं स्पष्ट करना चाहता हूं और अपील भी करता हूं सभी लोगों से कि 1 हफ्ते से ज़्यादा राशन या आवश्यक वस्तुओं का संग्रह न करें। वस्तुओं का अनावश्यक संग्रह करना चाहे वो व्यापारियों के स्तर पर हो, थोक विक्रेताओं के स्तर पर हो, यह प्रतिबंधित है आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत। कृपया इन चीज़ों का उल्लंघन न करें और दूसरा उपभोक्ताओं से